प्रिय विद्यार्थियों वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला अक्टूबर माह भाग दो, जिसमें आज हम 3 और 4 अक्टूबर 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न बात करता है, हाल ही में जापानी संसद ने योशिहिदे सुगा की जगह किसे जापान का 100वां प्रधानमंत्री चुना है। विकल्प है आपके सामने, ए फुमियो किशिदा, बी शिंजो अबे, सी साइके नोडा, डी तोशिसरो निकाय। तो जापान का 100वां प्रधानमंत्री किसे चुना गया है जापानी संसद द्वारा? फुमियो किशिदा को जापान का 100वां प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया? योशिहिदे सुगा का उन्होंने स्थान लिया। पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं फुमियो किशिदा। और जापान में बात करें तो सबसे लंबा टेन्योर प्रधानमंत्री के रूप में किनका रहा? शिंजो एबे का अब तक का सबसे लंबा टेन्योर रहा था जापान के प्रधानमंत्री के रूप में। बात करते हैं प्रश्न संख्या दो पर। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा में सदस्य के रूप में 3 वर्ष के लिए चुना गया है? विकल्प है आपके सामने, ए इकोसॉक यानी सामाजिक आर्थिक परिषद, बी सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, सी यूनेस्को और डी आईसीजे यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा इसको इकोसॉक के लिए, सामाजिक आर्थिक परिषद के लिए भारत को, सामाजिक यूएन की सामाजिक आर्थिक परिषद के लिए चुना गया है। कितने सदस्य होते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद में? 54 सदस्य देश होते हैं, ठीक है। इनका चुनाव क्या है कि अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार बांटा गया है। बात करते हैं भारत को संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक सामाजिक आर्थिक परिषद यानी यूएन इको इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के लिए 7 जून 2021 को चुना गया। कार्यकाल क्या रहेगा भारत का? कार्यकाल रहेगा 2022 से 2024 के मध्य कार्यकाल रहेगा। भारत का चयन एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक देशों की श्रेणी में हुआ है, जिसमें भारत के साथ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान का भी चयन किया गया है। भारत के साथ इन 3 देशों का भी चयन किया गया है, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया के लेखक कौन है? द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया के लेखक कौन है? विकल्प है विजय गोखले, बी हर्षवर्धन श्रृंगला, एस जयशंकर और डी कुलप्रीत यादव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विजय गोखले। पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं और चाइना चीन के मामलों के जानकार माने जाते हैं विजय गोखले, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं, वर्तमान विदेश सचिव हैं। और इसके साथ एस जयशंकर पूर्व विदेश सचिव और वर्तमान में विदेश मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल है, विदेश मंत्रालय इनके पास है। और कुलप्रीत यादव ये भी लेखन परंपरा से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही में भारत में 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान क्षेत्र के किस सर्वोच्च पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? तो विज्ञान क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विकल्प है आपके सामने, ए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बी इंडियन साइंस अवार्ड, सी कलिंगा पुरस्कार, डी बीसी राय अवार्ड। तो सही उत्तर क्या होगा? साइंस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सही उत्तर होगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस वर्ष 11 वैज्ञानिकों का चयन इसके लिए किया गया है। इंडियन साइंस अवार्ड भी साइंस क्षेत्र से है, कलिंगा अवार्ड जो साइंस क्षेत्र से है और यूनेस्को और इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, बीसी राय अवार्ड ये क्या है कि चिकित्सा क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। बात करते हैं 26 सितंबर को वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर के 80वें
स्थापना दिवस पर 11 वैज्ञानिकों का शांति स्वरूप पटनागर पुरस्कार हेतु चयन की घोषणा की गई। यह पुरस्कार कब दिया जाएगा? 28 फरवरी 2022 को विज्ञान दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। किनको दिया जाता है, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है पुरस्कार हेतु चयन 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों का चयन जिन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स क्षेत्र में काम किया है, इसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों के लिए। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पर। हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। इसके संबंध में सत्य कथन है, विकल्प है आपके सामने। इस पोर्टल को जैव विविधता व जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि प्रबंधन यानी वेटलैंड प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। बी है आपके सामने, इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प है आपके सामने ए केवल केवल बी, ए व बी दोनों, और डी है दोनों असत्य है। तो इस संदर्भ में ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। इस पोर्टल को जैव विविधता व जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि प्रबंधन यानी वेटलैंड प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है और ये आर्द्र भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है साझा करेगा, देने का कार्य करेगा। तो वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। हाल ही में चर्चा में रहा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, विकल्प है आपके सामने ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इसका संबंध है तेलंगाना स्टेट से। क्या है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये प्रोजेक्ट? ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जो ड्रोन के माध्यम से दूरस्थ इलाकों रिमोट एरिया में मेडिसिन की सप्लाई करेगा। ड्रोन के माध्यम से रिमोट एरिया में ग्रामीण इलाकों में मेडिसिन की सप्लाई करेगा। इसके माध्यम से क्या है कि कोविड वैक्सीन को क्या है कि रिमोट एरिया में सप्लाई करने का काम किया गया तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना सरकार इसमें तेलंगाना सरकार WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच और हेल्थ नेट ग्लोबल का क्या है, ये एक साझा इनिशिएटिव है, साझा प्रयास किया गया है। अभी कल की बात है, 4 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में ICMR के ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच आई ड्रोन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस ड्रोन ने 15 किलोमीटर की दूरी 12 से 15 मिनट में तय कर विष्णुपुर से मणिपुर में लोकटक झील तक कोविड की खुराक पहुंचाई है। तो ड्रोन के माध्यम से रिमोट एरिया में दूरस्थ इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिसिन की सप्लाई करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरुआत की गई थी तेलंगाना गवर्नमेंट में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट को अपना लिया है और कल इसका लॉन्चिंग किया गया था आई ड्रोन से, जहां पर विष्णुपुर अस्पताल से लोकटक झील तक कोविड की वैक्सीन पहुंचाई गई। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। हाल ही में लॉन्च किया गया कामधेनु दीपावली अभियान, कामधेनु दीपावली अभियान के संदर्भ में असत्य कथन है, आपको बताना है। विकल्प है आपके सामने, इसे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। विकल्प बी है आपके सामने, इसका उद्देश्य गोबर से बने दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को बढ़ावा देना है। सी है इसके अंतर्गत 100 करोड़ दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। डी विकल्प है, सभी कथन सत्य है। तो कामधेनु दीपावली अभियान के संदर्भ में ये सारे के सारे कथन सत्य है। इसे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग यानी RKA द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, जो भी गोबर से बने दिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को, गोधन से बने जो भी चीजें हैं, इसके अंतर्गत 100 करोड़ दिए क्या है प्रज्वलित किए जाएंगे। तो ये है कामधेनु दीपावली अभियान। बात करते हैं 8वां प्रश्न। इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा कथन पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संदर्भ में असत्य है? विकल्प है आपके सामने, यह परियोजना 100% राज्य द्वारा पोषित है। बी है, इसकी समय अवधि 2017 से 2023 है।
सी है ये प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान को बाढ़ से बचाने में मदद करेगा, डी है मानसून अवधि में कुल्लू कुन्नू पार्वती मेज काली सिंध चाकर नदियों के अतिरिक्त जल को बनास मोरेल बाणगंगा गंभीरी पार्वती चंबल नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा गलत कौन सा है, ये परियोजना ए गलत है, 100% राज्य द्वारा पोषित है ये गलत है, 60-40 का इसमें भागीदारी सेंटर और स्टेट की है और स्टेट की राजस्थान की मांग है इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए। पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में ये मांग रखी गई थी और वर्तमान गवर्नमेंट ने भी ये मांग रखी है कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में दर्जा दिया जाए और इसको जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाए। ये अपनी तरह का स्टेट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। समयावधि कितनी है 2017 से 2023 में और ये पूर्वी राजस्थान को बाढ़ से बचाने में मदद करेगा बिल्कुल, और इसमें इन नदियों के कुल्लू कुन्नू पार्वती मेज काली सिंध चाकर नदियों के अतिरिक्त जल को बनास मोरेल बाणगंगा गंभीरी पार्वती चंबल नदियों में स्थानांतरित किया जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, आजीविका मॉडल का संबंध किससे है। विकल्प है ए मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना है, बी है कोरोना के दौरान विस्थापित मजदूरों की आजीविका से संबंधित मॉडल है, सी है स्नातक प्राप्त विद्यालयों को रोजगारमुखी प्रशिक्षण के देने के संबंध में है, डी है स्ट्रीट वेंडर को ऋण उपलब्ध करवाने से संबंधित है। तो आजीविका मॉडल किससे संबंधित है, आजीविका मॉडल ये संबंधित है मत्स्य विभाग द्वारा फिशरी डिपार्टमेंट द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है आजीविका मॉडल। बात करते हैं अंतिम प्रश्न पर, हाल ही में कौन सा राज्य स्तर पर टोटल जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। विकल्प है आपके सामने ए तेलंगाना, बी असम, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो सही उत्तर क्या होगा, टोटल जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बन गया टोटल जीनोम सिक्वेंसिंग को विकसित करने वाला। इसके माध्यम से कोविड के जितने भी और वेरिएंट आएंगे उसको पता लगाने में क्या है मदद मिलेगी इसके माध्यम। तो पहला राज्य बन गया है राजस्थान और SMS जयपुर में ये सुविधा शुरू की गई है। तो कक्षा को समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।